नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम JVN डॉक्टर डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ वेमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आना। आना को अगर मॉडर्न से कोरिलेट करके देखें तो कॉन्स्टिपेशन से इसको कोरिलेट किया गया है। यह जो है वायु के वैगुण्य अर्थात वायु के प्रतिलोम गति से मल उद्गार जो ऊर्ध्ववात एवं अधोवायु को अपने मार्ग से न निकलना ही आनाहा कहलाता है। आनाहा के निदान की बात करें तो जैसे वेग का धारण करना या शारीरिक श्रम का अभाव, पैदल न चलना, आलस्य करना, हरी सब्जियों में सलाद का सेवन न करना, कषाय रस जो है चाय का अधिक सेवन करना और मैदे वाले पदार्थों का अधिक सेवन करना, अधिक चिंता करना, रात्रि जागरण करना, अधिक शीतल पदार्थों का सेवन करना, इन सभी कारणों की वजह से आनाहा रोग की उत्पत्ति होती है। अर्थात जो है कॉन्स्टिपेशन इन सभी कारणों की वजह से हो सकता है। वेगों का धारण करना, शारीरिक श्रम का अभाव करना, पैदल ना चलना, आलस्य करना, हरी सब्जियों व सलाद का सेवन न करना, कषाय रस का अधिक सेवन करना, मैदे वाले पदार्थों का अधिक सेवन करना, अधिक चिंता करना, रात्रि जागरण करना, शीतल पदार्थों का सेवन करना। आम दोष व मल का क्रमशः आमाशय व पक्वाशय में धीरे धीरे संचित होकर के कुपित वायु द्वारा अवरुद्ध होकर अपने मार्ग से न निकल पाना ही आनाहा कहलाता है। आनाहा के अंतर्गत हम देखें तो निदान सेवन करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया, उनकी जगह से वात का प्रकोप होगा। वात के प्रकोप की वजह से आमाशय में आम का संचय होगा और पक्वाशय में मल का संचय होगा। आम के संचय की वजह से ऊर्ध्ववायु का अवरोध होगा और मल का संचय से मल का अवरोध होगा और इसी वजह से जो है आनाहा रोग की उत्पत्ति होती है। अगर हम आनाहा के अंदर संप्राप्ति घटक देखें तो दोष इसके अंदर वात दोष प्रधान होता है, दुष्य इसके अंदर रस होता है और स्रोतस जो है यह पुरुषव है और अन्वय स्रोतोगत व्याधि है। अधिष्ठान जो है पक्वाशय और आमाशय इसका अधिष्ठान है। स्रोतो दुष्टि प्रकार संग एवं विमार्गमन। अगर इसके भेद जो है आनाह के देखें तो दो प्रकार के इसके भेद होते हैं, आमश आनाह एवं पुरुषज आनाह। आमश आनाह के लक्षण जो है आमाशय में शूल एवं भारीपन होना, उद्गार का न आना, वमन की इच्छा अर्थात जी मिश्लाना, प्रतिशाय जो है होना और प्यास अधिक लगना, सिर में दाह होना, ये आमश आनाह के लक्षण हैं। पुरुषज आनाह के अंतर्गत जैसे शूल जो है उदर शूल होना रोगी को या मल मूत्र का अवरोध होना और कटी स्तब्धता, कमर में जकड़ाहट होना, श्वास कृच्छता होना, पुरुष युक्त वमन जो है यह असाध्य पुरुषज आनाह का लक्षण है, मूर्छा होना, अलसक होना, ये सभी पुरुषज आनाह के लक्षण हैं। आमश आनाह के अंदर आमाशय में शूल एवं भारीपन होगा, उद्गार नहीं आएगा, वमन की इच्छा होगी, प्रतिशाय होगा, प्यास का अधिक लगना और सिर में दाह होना, ये सभी आमश आनाह के लक्षण हैं। अगर हम इसमें चिकित्सा सूत्र की बात करें आनाह के रोग के अंदर, तो यहाँ सर्वप्रथम जो है वमन कराना चाहिए आमश आनाह में। उसके बाद इसके अंदर जो है दीपनीय औषधियाँ से सिद्ध पेया, विलेपी, यवागु या फिर जो है श्वेदन और अभ्यंग जो है कराना चाहिए। पुरुषज आनाह के अंतर्गत देखें तो वात का अनुलोमन कराना चाहिए ताकि मल व वायु की प्रवृत्ति हो। हरित की चून जो है यह श्रेष्ठ वातानुलोमक औषधि है और इसके अंदर श्वेदन कराना चाहिए, अभ्यंग कराना चाहिए, पाचन औषध का प्रयोग करना चाहिए, फलवर्ती और विरेचन कराना चाहिए। उद्गार करके श्वेदन कर आस्थापन बस्ती दें। पुरुष युक्त वमन होने पर चिकित्सा न करें। उद्गार पर श्वेदन करके जो है श्वेदन, अभ्यंग, पाचन औषधि, फलवर्ती और विरेचन कराना चाहिए तथा रोगी के उदर पर श्वेदन करके और उसे आस्थापन बस्ती देनी चाहिए और पुरुष युक्त वमन होने पर चिकित्सा न करें। आमश आनाह और पुरुषज आनाह के लिए आया है कि आमश आनाह जो है इसमें वमन चिकित्सा देनी चाहिए निकटतम मार्ग से आम दोष के निवारण के लिए, एवं दीपनीय जो है इसके अंदर आम पाचक औषधियाँ देनी चाहिए,
स्वेदन कराना चाहिए, अभ्यंग कराना चाहिए। उसी के अलावा पुरुष जाना के अंदर विरेचन आस्थापन बस्ती देनी चाहिए। निकटतम मार्ग से दोषों को निकालने की वजह से वात का अनुगमन करना चाहिए। स्वेदन और अभ्यंग चिकित्सा करनी चाहिए। अगर हम आमाशाना के जो है आनाहा रोग के अंदर औषध चिकित्सा देखें तो इसके अंदर जैसे शंख भस्म प्रवाल पिष्टि और वटियां जैसे शंखवटी महाशंखवटी आरोग्यवर्धनी वटी लहसुन आदि वटी दे सकते हैं। इसके अंदर अगर चूर्ण की बात करें तो जैसे लवण भास्कर चूर्ण हिंगवाष्टक चूर्ण दाढ़ी माष्टक चूर्ण त्रिफला चूर्ण पंचकार चूर्ण गंधर्व हरित के चूर्ण इस प्रकार से दिए जाते हैं। आसव अरिष्ट जो है जैसे द्राक्षारिष्ट द्राक्षासव अभियारिष्ट देना है और तेल में जो है एरन तेल 10 से 20 ml दूध में मिलाकर रात्रि के अंदर दें। इस प्रकार से जो है इसकी चिकित्सा की जाती है। आमाशाना जो है इसमें संजीवनी वटी अभियारिष्ट और गंधर्व हरित के चूर्ण दिया जा सकता है, त्रिफला चूर्ण दिया जा सकता है। पुरुष जाना के अंदर जैसे अग्नितुंडी वटी अभियारिष्ट गंधर्व हरित की इस प्रकार से चिकित्सा दी जाती है। और इसमें खाली पेट जो है भुजंगासन में करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। पथ्य में जैसे मूंग की दाल दलिया खिचड़ी अदरक लहसुन जीरा और जो है हींग सौंफ ये सभी इसके अंदर पथ्य बताए गए हैं। और पथ्य में गुरु विदाई साथ में अभिसंधि चने की दाल मटर आलू आदि का सेवन ना करें, रात्रि जागरण ना करें, वेगों का धारण ना करें, दिवा स्वप्न ना करें, चिंता क्रोध व्यय आदि से दूर रहें। तो इस प्रकार से जो है अनारोग को जीता जा सकता है, अनारोग की चिकित्सा की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए आधमान। आधमान जो है इसको अगर हम आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग बात करें तो उन्होंने स आटोकम अति उग्र रुज्जम आधमानम उदरम भ्रशम, यानी स आटोकम अति उग्र रुज्जम आधमानम उदरम भ्रशम, अर्थात उदर में आटोक के साथ में पीड़ा का होना आधमान कहलाता है। यह वायु के वेग को रोकने से होता है। अगर हम इसके अंदर निदान की बात करें तो वेग को धारण करना, आहार का सम्यक रूप से पाचन न होना, वृक्ष आहार का अति सेवन करना, पित्त का क्षय करना, ये सभी आधमान के निदान हैं। अगर आधमान रोग के अंदर की संप्राप्ति देखें तो जो उपरोक्त निदानों के सेवन से पित्त का क्षय होता है, जिसके कारण आहार का सम्यक रूप से पाचन नहीं हो पाता और वायु की वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धवात को रोकने से उदर में शूल होता है, इसे ही आधमान कहते हैं। जैसे निदान का सेवन करेंगे, निदान के सेवन से पित्त का क्षय होगा, पित्त के क्षय के कारण आहार का अपचन होगा, आहार के अपचन से वायु की वृद्धि होगी, वायु की वृद्धि से वेग का धारण और इससे आटोप एवं उदर शूल की उत्पत्ति होगी, यही आधमान है। अगर आधमान के भेद देखें तो इसके दो प्रकार के भेद होते हैं, आधमान एवं प्रत्याधमान। आधमान आमाशय में आटोप व शूल होता है, प्रत्याधमान आमाशय में आटोप का होना। आधमान जो है यह पक्वाशय में आटोप व शूल होता है और प्रत्याधमान आमाशय में आटोप का होना। इसमें हृदय जो है इसमें पीड़ा नहीं होती और दोष इसके अंदर कफ एवं वात की वृद्धि होती है। आधमान की चिकित्सा जो है पुरुष जाहना के समान और प्रत्याधमान की चिकित्सा जो है आमश अनहावत की जाती है। जिस प्रकार की अभी आपको मैंने बताया, जैसे जो है आमजाना होगा, जिस प्रकार से आधमान की चिकित्सा को पुरुषज अनहा के समान बताया गया है, जैसे वात का अनुलोमन कराना, मल व वायु की प्रवृत्ति कराना, स्वेदन अभ्यंग पाचक औषध फलवर्ती और रेचन कराना, उदर पर स्वेदन करके आस्थापन बस्ती देना या पुरुष युक्त वमन होने पर चिकित्सा ना करना, ये सभी पुरुषज अनार्थ चिकित्सा प्रयोग बताए गए हैं। उसी प्रकार प्रत्याधमान की चिकित्सा जो है आमज अनाह के समान बताई गई है, जैसे पहले वमन कराना चाहिए, उसके पश्चात जो है दीपनी औषधियों से सिद्ध पेया विलेपी और यवागु देना चाहिए और इसके अतिरिक्त जैसे स्वेदन और अभ्यंग कराना चाहिए।
ये सभी प्रत्यादमान के चिकित्सार्थ बताए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इज आटोप। आटोप जो है, आटोप है गुड़गुड़ है शब्द है, यानी उदर में गुड़गुड़ की ध्वनि होना जो ही आटोप कहलाता है। यह एक स्वतंत्र रोग नहीं है अपितु आधमान के लक्षण के रूप लक्षण स्वरूप इसका उल्लेख आया है। अगर हम इसमें निदान की बात करें तो जो भी हम आधमान में हमने निदान देखे, जैसे वेग धारण या आहार का सम्यक रूप से पाचन न होना, वृक्ष आहार का अति सेवन होना या पित्त का क्षय होना, ये सभी आटोप के भी कारण होंगे। और विशेष रूप से जैसे उड़द या मटर, कटहल, कद्दू आदि के सेवन से आटोप की उत्पत्ति होती है। आटोप जो है, इसकी चिकित्सा के लिए वातानुलोमन चिकित्सा बताई गई है, स्नेहन स्वेदन दीपन पाचन चिकित्सा बताई गई है, तथा अजीर्ण के सम जो है इसके अंदर चिकित्सा बताई गई है कि अजीर्णवत इसकी चिकित्सा करनी चाहिए, जैसे कि निदान परिवर्जन या फिर जैसे उपवास लघु आहार, या फिर जो है पेशेंट को अगर विदग्धा जीर्ण है तो वमन और शीतल जल का प्रयोग बताया गया है, विष्टब्धा जीर्ण है तो उसकी वजह से अगर आटोप हो रहा है तो वातानुलोमन और उष्ण जल में नमक मिलाकर उदर पर पिलाना एवं उदर पर गर्म पानी का सेक लंघन और पाचक द्रव्यों का प्रयोग, इस प्रकार से आटोप की चिकित्सा की जाती है। थैंक यू। दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आई होप यू ऑल आर सेटिस्फाइड विद दिस सेशन। इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद दिस सेशन, प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू।